महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से कांग्रेस एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े 19 सरपंच के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इन सभी ने हैदराबाद में बीआरएस को ज्वाइन कर लिया। बीआरएस के महाराष्ट्र किसान सेल के प्रमुख माणिक कदम ने बताया कि सबसे ज्यादा संख्या में सरपंच कांग्रेस के हैं, जिनका कार्यकाल 18 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। माणिक कदम ने बताया कि कांग्रेस के 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 6 और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के एक सदस्य ने बीआरएस ज्वाइन की। कदम ने यह भी बताया कि 3 पूर्व सरपंच भी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें से 2 शिवसेना और 1 शेतकरी संगठन से है। महाराष्ट्र में बीआरएस की विस्तार योजना पर कदम ने बताया कि पार्टी ने अब तक राज्य भर में 14.10 लाख कार्यकर्ताओं का ब्यौरा रजिस्टर किया है, जो कि पार्टी से और लोगों को जोड़ने के लिए अभियान शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से कांग्रेस एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े 19 सरपंच के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इन सभी ने हैदराबाद में बीआरएस को ज्वाइन कर लिया। बीआरएस के महाराष्ट्र किसान सेल के प्रमुख माणिक कदम ने बताया कि सबसे ज्यादा संख्या में सरपंच कांग्रेस के हैं, जिनका कार्यकाल 18 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। माणिक कदम ने बताया कि कांग्रेस के 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 6 और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के एक सदस्य ने बीआरएस ज्वाइन की। कदम ने यह भी बताया कि 3 पूर्व सरपंच भी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें से 2 शिवसेना और 1 शेतकरी संगठन से है। महाराष्ट्र में बीआरएस की विस्तार योजना पर कदम ने बताया कि पार्टी ने अब तक राज्य भर में 14.10 लाख कार्यकर्ताओं का ब्यौरा रजिस्टर किया है, जो कि पार्टी से और लोगों को जोड़ने के लिए अभियान शुरू करेंगे।